सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज मैं पहली बार व्लॉग करने वाला हूँ मेरे चैनल के ऊपर, और मैं जा रहा हूँ मेड़घाट साइड में। एक्चुअली बहुत कंटिन्यू पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यू काम चल रहा है, और मतलब बिल्कुल भी रेस्ट नहीं है। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा पीस चाहिए दिमाग में, कुछ शांतता चाहिए दिमाग में, ऐसा बोल सकते हैं। और कुछ एक डायरी वायरी लिए, कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ लिखना था कि आगे चलकर लाइफ में क्या क्या अचीव करना है। तो सोचा थोड़े पहाड़ी एरिया में आते हैं और वहाँ पर जाकर व्लॉग भी करते हैं और थोड़ा सा चिल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 दिन के लिए हैं, तकरीबन 2 दिन के लिए। और यहाँ से अभी हम लोग पहले जाने वाले हैं, यहाँ पर एक कुकरू नाम का जगह है, तो कुकरू में पहले जाएंगे और उसके बाद में सेमाडो पर जाकर आज रात को स्टे है। वहाँ पर मैं हूँ और मेरे साथ मेरा ये फ्रेंड है साहिल प्रगन है। तो ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा दूर से, बट फिर भी इसको दिखा दूंगा बाद में व्लॉग में मैं। तो हम दोनों अभी यहाँ पर घूमने निकले। थोड़ा सा रिस्की एरिया है टू बी ऑनेस्ट, मेड़घाट टाइगर रिजर्व में आता है गाइस, और टाइगर रिजर्व एरिया में टाइगर भी है, भालू भी है। आई होप कि हमें कोई ना मिले, ठीक है, सचमुच बोल रहा हूँ, मैं होप करता हूँ मुझे कोई ना मिले, क्योंकि एक बार मैं यहाँ पर चिकलदरा साइड में आया तो मुझे भालू दिखा था, एंड मुझे अभी बिल्कुल भी देखना नहीं है भालू वालों को, बट आई होप कोई दिखे ना। बाकी मैं अभी यहाँ पे आपको थोड़े नज़ारे दिखाता हूँ। और अभी यहाँ से हम सीधा जाने वाले हैं कोलकाता साइड में, जहाँ पर 200 पवन चक्की है, मतलब 200 विंड मिल्स है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आई होप आपको ये ब्लॉग बोर नहीं होगा और आपको इसे मज़ा आएगा। अभी गाइज हमें एक छोटा सा तालाब हाथ लगा है, तो अभी हम ऊपर जा रहे थे। ये रास्ता है गाइज, इसका कोकरू का रास्ता है ये, और यहाँ पे अब जाते जाते हमको ये बाजू में छोटा सा तालाब लगा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। तो अभी सोच रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा 15-20 मिनट गुजारे जाए, तो अभी यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ के आपको सीन भी दिखाते हैं। आप किधर से हैं? इधर ही रहते? हाँ। इधर कौन से गाँव में रहते आप? ये घटंग में इधर? हाँ। अच्छा अच्छा, अभी इधर कैसे भाई साहब चरा रहे? किधर है? अच्छा वो साइड में है क्या? अच्छा अच्छा, कैसे इधर का माहौल? ठंडा ही रहता वातावरण? सभी सब मस्त? कोई टेंशन नहीं। अच्छा, कोरोना वोरोना का टेंशन नहीं होंगे? कोई टेंशन नहीं। तो भाई अभी हम इस तालाब पे रुके थे थोड़े देर, अभी 10-15 मिनट्स हम यहाँ पर रुके, और अभी यहाँ से हम कोकरू के लिए निकलने वाले हैं, जहाँ पर 200 पवन चक्की है। तो आई होप वहाँ पर भी आपको ऐसे में मज़ा दूंगा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है तालाब वाला, बहुत मतलब बहुत आजू बाजू सिर्फ पहाड़ है और बीच में नीचे एक छोटा सा तालाब है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, और बहुत शांत लग रहा है, सिर्फ पंछियों की आवाज़ है और बाकी अपनी आवाज़ है बस, बाकी सब शांत है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ अभी हम यहाँ पर कोकरू में आ चुके हैं, यहाँ पर ये मेरी गाड़ी पार्क की है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, मुझे पता नहीं कैमरे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, लेकिन आप वहाँ पर देख सकते हो छोटी छोटी पवन चक्की है पूरे, ठीक है। तो ये पूरे एरिया में ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इधर से तो आपको दिख ही जाएंगी, इधर ऐसे पूरे टोटल 200, मेरे ख्याल से 200 पवन चक्की है टोटल में, ठीक है, आप उधर भी देख सकते हो। और काफ़ी अच्छा स्पॉट है, मतलब इतना हम घाट वाट चढ़ के आए हैं और ये पूरा प्लेन ग्राउंड है, लंबा सा लंबा चौड़ा, और यहाँ पर ऐसे पूरे पवन चक्की है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो अंकल, आपके गांव का नाम कोकरू है या फिर ये खामला एरिया है? जी ये खामला है। अच्छा, और ये कोकरू से 5 किलोमीटर? अच्छा अच्छा, करतवाड़ा। और ये जो पूरे पवन चक्कियाँ दिखते हैं, कितने पवन चक्कियाँ है यहाँ पे टोटल? 100 के करीब है सर। 100 या 200? मैंने 200 सुना था, क्योंकि ये पता नहीं करेक्ट तो नहीं। और ये इतने बड़े बड़े पवन चक्कियाँ होते हैं यहाँ पर, मतलब कैसे लाए आपको पता है क्या? जी जी। कैसे? बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियाँ आई थी इनको लेकर के। अच्छा, तो ये जो पवन चक्की में जो ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है, हाँ हाँ, उसमें 3 ब्लेड है, तो 3 गाड़ियों में 3 ब्लेड और जो जॉइंट जहाँ पर है, हाँ, वो एक गाड़ी में। अच्छा, और बाकी के उसमें पाइप लगे हैं, बड़ा स्ट्रक्चर उसका, फाउंडेशन बहुत तरीके से बना। तो ये जो बड़ा वाला जो नीचे का जो ऐसा वो है, हाँ, फाउंडेशन का जो, हाँ, पूरा ये स्टिक ऐसी बड़ी जी, वो पार्ट पार्ट में रहते थे क्या? टुकड़े टुकड़े में लाया था। अच्छा अच्छा, और ये साइड से आए थे ना शायद से? एमपी साइड से आए थे ये सब कुछ? हाँ, एमपी साइड से आए थे। अच्छा अच्छा, रास्ता उधर से सरल है थोड़ा, हाँ हाँ, इधर महाराष्ट्र की ओर से पहाड़, वही मैं सोच रहा था, इधर से इतने सारे घाट है, हम इधर से कैसे लाए होंगे करके, तो ये पूरा इधर से लाया ना, एमपी साइड से? जी।
तो गाइज अभी हम यहाँ पर है, इनका ये एक साई कोल्ड ड्रिंक्स नाम से होटल भी है, अगर से कभी आप इधर आते हो कुकरू में तो यहाँ पर ज़रूर आना। और यहाँ से ये रास्ते पर से हम आए और इधर एक्चुअली फिर MP चालू होता है ये साइड से, और इधर से हम अभी वापस जाने वाले हैं। यहाँ पर एक तालाब है, वहाँ पर बैठकर अभी खाना खाएंगे हम आगे, हमको आपको तालाब भी दिखाऊंगा। और ये छोटू है, छोटू ने मुझे नाम नहीं बताया, छोटू अभी तो बता दे कैमरे में, भाग गया छोटू, नाम बता छोटू, नाम बता दे। नहीं नहीं नाम है उसका, नहीं क्या नाम है, नक्स, NAX, बाप रे कूल नाम है भाई का, नक्स नाम है छोटू का, नाम बता नहीं रहे हमको। लेकिन ऐसी जगह है गाइस, बहुत ही अच्छी जगह है ये, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त, हाँ बहुत हिल स्टेशन है यहाँ पर। अच्छा गाइस अभी हम यहाँ पर तालाब पर आए हैं, यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं अभी, बिल्कुल। और यहाँ पर ऐसा सीन है मस्त ज़बरदस्त, बिल्कुल तालाब वाला, पवन चक्के सब कुछ। ये भाई लोग, ये भाई खाना ही खा रहे हैं ठीक है। और इधर ये सब ऐसे पवन चक्के वगैरह, अच्छा सीन है। यहाँ पर अभी खाना खाएंगे और यहाँ से सेमाडो जाने वाले हैं। सेमाडो 35 या 40 किलोमीटर आता है, वहाँ पर रात भर का स्टे है और उसके बाद में कल पूरा दिन मैं सेमाडो में ही हूँ मोस्ट प्रोबेबली, और परसों के दिन हम अमरावती के लिए निकलने वाला हूँ। सो कल का नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, आप उसके लिए रेडी रहना है। आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो ब्लॉग को लाइक कर।